हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जी टेक बबलू इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आप भी कुछ इस तरह का नेम आर्ट वीडियो अपने फोटो के साथ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, और आप भी इस तरह का अपने फोटो के साथ वीडियो बना सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के लिए आपके मोबाइल में काइनमेस्टर ऐप होना जरूरी है, अगर नहीं होता तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइनमेस्टर ऐप ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। काइनमेस्टर ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपके मोबाइल में। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन में और यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, अपने हिसाब से लेयर बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड। इसका लेयर हम 20 सेकेंड तक कर देते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको लाइट वाले ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में करने के लिए कैंची के बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ऑफ के बगल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड उसके बाद आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड। तो इस फोटो को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए फ्रेंड, और इसका बैकग्राउंड हटा हुआ है फ्रेंड। और आप भी हटाना चाहते हैं अपने फोटो का बैकग्राउंड तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्रुपिंग के ऑप्शन में और इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देते हैं फ्रेंड। और इसके बाद में फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से फोटो पे क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह से आपको जूम करके लगाना है कुछ इस तरह से। इसको कुछ इस तरह से हम लगा देते हैं फ्रेंड और थोड़ा इधर कर देते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आपको आ जाना है नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में, और यहाँ से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड इसमें नाम लिखने के लिए आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और टेक्स्ट के ऑप्शन में, और यहाँ से आप अपना नाम को लिख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं बबलू कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड पहले कुछ इस तरह से इसका लेयर बढ़ा देना है। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से जूम करना है और इसको यहाँ पे ले आना है कुछ इस तरह से फ्रेंड आपको ले आना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से डबल एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से इस फ्रंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड इसको थोड़ा छोटा कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से ओके कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और टेक्स्ट के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको अपना टाइटल लगा लेना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं टेक कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड फिर से यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर ले आना है फ्रेंड कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड आपको जाना है इसका लेयर बढ़ा देना है कुछ इस तरह से, और इसका फ्रंट स्टाइल उसी तरह से आपको चेंज कर लेना है। तो उसके लिए आपको डबल एक ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद में फ्रेंड ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको इस नाम वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देना है फ्रेंड, इस तरह से छोटा कर देना है फ्रेंड। और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं फ्रेंड, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड इसमें कलर वाले वीडियो को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन फ्रेंड, और इस कलर वाले वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड कुछ इस तरह से। तो इसको हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है और इसको यहाँ पर ले आना है कुछ इस तरह से फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको आ जाना है यहाँ पर ग्रुपिंग के ऑप्शन में और इसको कुछ इस तरह से ग्रुप कर देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से, इसको ग्रुप कर देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको ओके कर देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड फिर से आपको इसी कलर वाले वीडियो पे क्लिक करना है और आपको आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में, और यहाँ से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से स्क्रीन वाले ऑप्शन पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड इसमें एक और फोटो ऐड करने के लिए आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और इस लाइट वाले फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से। इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए फ्रेंड, और इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देना फ्रेंड। और इसको यहाँ पे ले आना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको आ जाना है यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना फ्रेंड, और इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ओके कर देना फ्रेंड। और फ्रेंड हमारा वीडियो अब रेडी हो गया। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। और फ्रेंड हमारा वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हुआ है।
और फिर इसमें आप ऑडियो सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से म्यूट कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और ऑडियो ऐड करने के लिए आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी ऑडियो सॉन्ग को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद फ्रेंड आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड इसमें सॉन्ग चेंज हो गया था, इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आप शेयर का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से फ्रेंड आपको क्वालिटी को कुछ इस तरह से चेंज कर लेना है और नीचे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड हमारा वीडियो सेव होने लगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से वीडियो एडिट कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।